Morning everyone. I wish belated happy Diwali to each one of you. I wish you happy euphoria and I wish you happy anniversary of Biosash. और आज Biosash year by year नए मुकाम को हासिल कर रहा है और बिजनेस के हर aspect में एक अच्छी ग्रोथ लेकर आ रहा है और आज हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि आज हम Biosash और सी बक्थॉन के साथ में पूरे भारत के अंदर एक नई टीम, एक बड़ी टीम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, आगे आने वाले समय में ये सपना विश्व तक भी पहुंचेगा। आज मुझे आप सब लोगों के साथ में कनेक्ट होने का मौका मिला है इस यूफोरिया इवेंट के अंदर और अपनी कुछ बातचीत को रखने का मौका मिला है। तो आज कुछ दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं आज आप सब लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। और सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। विश्व के अंदर पिछले 135 सालों से ये बिजनेस पूरी विश्व भर में काम कर रहा है और लगभग पिछले 25 से 30 सालों से ये बिजनेस भारत के अंदर काम कर रहा है। वैसे जब हम इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, कई सारे लोग इस बिजनेस का हिस्सा सिर्फ पार्ट टाइम के बेसिस पर बनते हैं, कई सारे लोग इस बिजनेस का हिस्सा एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए या प्रोडक्ट के अच्छे लगने पे इस बिजनेस का पार्ट बनते हैं। लेकिन अगर हम इस बिजनेस में एक बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कई सारे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है। उन्हीं महत्वपूर्ण पहलू में से एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी से मेरा क्या मतलब है? क्लैरिटी से मेरा मतलब ये है कि हमारे पास में दो सवालों के जवाब होना बहुत जरूरी है। पहला सवाल कि हम अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे क्या एम्बिशंस हैं। क्योंकि जब हम कहीं पहुंचना ही नहीं चाहेंगे तो क्या फ्लाइट की जरूरत, क्या बस की जरूरत और क्या ट्रेन की जरूरत। जब हम कहीं पहुंचना चाहते हैं उसके बाद प्लेटफॉर्म की नीड होती है। इसी तरीके से सबसे पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी लाइफ के क्या गोल्स हैं, क्या एम्बिशन है, हम अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा सवाल जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो हम अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसमें ये बिजनेस हमारी किस तरीके से मदद करने वाला है। मैं बिल्कुल समझता हूँ इन दोनों सवालों के जवाब इस बिजनेस के समय समय पर बदलते हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर इस बिजनेस में समय समय पे चेंज होते हैं। लेकिन आप जहां भी हैं, जिस भी स्तर पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, आपके पास इन दोनों सवालों के जवाब होना बहुत जरूरी है। अब जिस दिन आपके पास इन दोनों सवालों के जवाब होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं बचती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बस आपके लिए बिजनेस में एक चैलेंज बन जाती हैं और आपको इस बात की क्लैरिटी होती है कि उस चैलेंज को पूरा करने के बाद आप अपने गोल की तरफ मूव कर रहे हैं, आप अपने एम्बिशन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास उन दो सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो हर स्पीड ब्रेकर इस बिजनेस में हर स्पीड ब्रेकर आपके लिए एक रोड ब्लॉक बन जाता है और कहीं ना कहीं वो आपको वहीं रोक देता है और क्विट करने पे मजबूर कर देता है। इसलिए दोस्त, सबसे पहला जो अपने एक्सपीरियंस है मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि इन दोनों सवालों के जवाब आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ और उसमें ये बिजनेस मेरी कैसे मदद कर सकता है। इसके बाद अगर मैं दूसरे टॉपिक पर बातचीत करूँ, दूसरे टॉपिक में जो मैं बातचीत करना चाहता हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ समय हम सबको पता है कोविड की सिचुएशंस हमारे सामने आई, लॉकडाउन हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इंटरनेट का यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ा। लोगों ने वर्क फ्रॉम होम चालू करा, लोगों ने नए नए आइडियाज़ पर काम करना चालू करा, लोगों ने नए नए स्टार्टअप्स करने का चालू करे। इसी प्रोसेस में मैंने ये देखा, मैंने ये ऑब्जर्व करा कि हर एक इंसान ने या तो इंटरनेट पर सीखना शुरू करा या इंटरनेट पर सिखाना शुरू करा। और कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेट पर सिखाना शुरू करा, उनमें से कई लोगों के पास एक अच्छा तजुर्बा भी था और कई सारे लोगों ने सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए कहीं से इन्फॉर्मेशन कॉपी करके उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा बनाकर पैसा कमाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी शुरू करी। आज जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा बनते हैं तो कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि उनके पास कंटेंट की एक बहुत स्ट्रांग भूख होती है, तो वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अलग अलग जगहों पे कंटेंट को सर्च करते रहते हैं। लेकिन अपने पिछले 10 साल के तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी 10 साल का तजुर्बा किसी एक शहर का नहीं है, वो 10 साल का तजुर्बा पूरे भारत भर में के अलग अलग कोनों में नेटवर्क क्रिएट करने का तजुर्बा है। उन 10 सालों के तजुर्बे से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको चाहिए होता है वो होता है गाइडेंस। एक ऐसा अपलाइन, एक आपकी ऐसी एक्टिव रिस्पॉन्सिबल अपलाइन जो आपको हर समय लेवल बाय लेवल आपको ये गाइड करे कि आपको इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। अब देखिए, इंटरनेट पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्सेज बेच रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन सेल कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो किताबें बेच रहे हैं। उनका उद्देश्य आपको जीवन में आगे बढ़ाना नहीं है, उनका उद्देश्य अपनी किताब को बेचना है, उनका उद्देश्य अपने कोर्स को बेचना है,
उनका उद्देश्य आपको अपनी इंफॉर्मेशन को भेजना है, लेकिन इस बिजनेस में आपको सही तरीके से वही गाइड कर सकता है जिसकी सक्सेस आपकी सक्सेस में छुपी है, और वो आपकी अप्लाई नहीं हो सकती है, वो आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबल अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबल अप्लाइंग की कामयाबी आपको किताब बेचने में नहीं है, आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबल अप्लाइंग की कामयाबी आपको इन्फॉर्मेशन बेचने में नहीं है, आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबल अप्लाइंग की कामयाबी आपको कोर्सेज बेचने में नहीं है, आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिबल अप्लाइंग की जो कामयाबी है वो आपको तरक्की दिलाने में है। इसी वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस समय पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है, वो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा, उस कंटेंट से ज़्यादा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे गाइडेंस की। तो अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें हमारी अप्लाइंस के साथ पूर्ण तरीके से जुड़ने की ज़रूरत है, उनसे चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, और जब हम अपनी अप्लाइंस से रेगुलर लेवल पर चीज़ों को सीखते हैं तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे करके हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस बनते हैं, हमारे खुद के तजुर्बे बनते हैं, और हमारे खुद का एक्सपीरियंस ही फिर हमारा कंटेंट बन जाता है, और वही हमारी एक्सपीरियंसेस से, हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी बातें आगे हम अपनी टीम की इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, डाउट सेशन, फॉलोअप और ट्रेनिंग में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एट लास्ट इस मीटिंग के अपनी बातचीत को एंड करते हुए मैं आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं कि आज हम सब लोग टीम SOL के विज़न के साथ में काम कर रहे हैं। टीम SOL का विज़न क्या है? टीम SOL का विज़न है 2023 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक पहुंचना, GNS स्टेडियम तक पहुंचना, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर 2023 तक आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद आज इस मीटिंग का हिस्सा बने होंगे, इस इवेंट को अपने घर में बैठ के सुन रहे होंगे, और आपकी टीम कहीं ना कहीं जीरो की होगी, और जीरो की टीम के साथ या जीरो टर्नओवर के साथ आप इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिएगा, अगले 3 साल में जब हम उस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होंगे तो आप कहीं ना कहीं, अगर आज आप इस इवेंट से एक गोल लेने को तैयार हैं, एक एम्बिशन लेने को तैयार हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के स्टेज पे खड़े होकर आप अपनी खुद की कहानी बयां कर रहे हैं, और वो कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मे गॉड गिव यू अ वेरी बिग सक्सेस इन द कमिंग टाइम। थैंक यू, थैंक्स।